संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर ताजनगरी आगरा के एमजी रोड स्थित वाल्मीकि वाटिका में वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभा में आए सभी गणमान्य ने बाबा साहेब के जीवन पर अपने अपने तरीके से प्रकाश डाला और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। 6 दिसंबर 1956 को राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परलोक पधारने की खबर समूचे दलित वर्ग में शोक की लहर दौड़ गई। बाबा साहेब की मृत्यु हो जाने के बाद से ही बाबा साहेब के अनुयायी 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने लगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने सुभाष पार्क वाल्मीकि वाटिका पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया। सर्वप्रथम सभी लोगों ने भगवान महर्षि वाल्मीकि के आगे दीप प्रज्वलित कर और माल्य अर्पण कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। इसके उपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी ने बारी बारी से बाबा साहेब अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि वाटिका में विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया। वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रामजी लाल विद्यार्थी ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का सभी लोगों ने संकल्प लिया। आज परम पूज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस संपूर्ण देश और विदेशों में मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वो हमारे बीच में से चले गए थे और बहुत कुछ यादें वो अपने इस दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए दे गए थे। उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ पर भगवान वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट एमजी रोड आगरा के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर कि आज उनके दिए हुए जो अधिकार थे, जो हमें सम्मान और अधिकार दिया, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिया, बाबा साहब को वाल्मीकि समाज बहुत ही हृदय से चाहता है, क्योंकि वो हमारे समाज के से जुड़े हुए एक अंग थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहकर कि बाबा साहब अलग हैं और वाल्मीकि अलग हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब 1931 से पूर्व बाबा साहब ने जो अपना आंदोलन किया था और उस समय हमारे बीच में महात्मा गांधी जी भी थे, तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को, इंग्लैंड को ये लिखा था पत्र कि मैं अछूतों का नेता हूँ और हिंदू समाज जो है वो हमारा एक अंग है, दलित समाज हमारा एक अंग है। इस पर बाबा साहब ने काफ़ी विरोध किया था और बाबा साहब अकेले पड़ गए थे, यानी मीडिया भी बाबा साहब के खिलाफ और देश के हिंदू लोग भी बाबा साहब के खिलाफ हो चुके थे। ऐसी स्थिति में गोलमेज सम्मेलन से पूर्व 1931 में पंजाब के वाल्मीकि सभा के लोग, जो उन्होंने वाल्मीकि सभा तैयार की थी, वो बाबा साहब के पक्ष में आए। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ सभी बाबा साहब के अनुयायी यहाँ उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब ने जितना समाज और पूरे देश के लिए का करा काम, उतना शायद ही किसी ने कहा हो, करा हो। तमाम ऐसी बहुत सारी बातें हैं और विचार गोष्ठी का मुख्य विषय यही है कि हम बाबा साहब के आदर्शों पर चलें, खासतौर पर अपनी महिलाओं को उनके विचारों के बारे में जागृत करें, क्योंकि तो महिला ही वो शक्ति होती है जो दो परिवारों का पालन पोषण करती है और संस्कार जो बच्चे में आते हैं वो पहले महिला के द्वारा आती है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा महिलाओं में फैले। हिंदू कोर्ट बिल जो बाबा साहब की देन है, उसको अपनी महिलाओं को समझाएं, जिससे कि बाबा साहब का उन पर प्रकाश ज़्यादा रहे उनके विचारों पर। जी, नाम बताइए। मेरा नाम अनिल भाटिया,
बबलू जी, आज परिनिर्वाण दिवस है, वहीं आज के दिन कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, तो क्या कहेंगे, कितना उचित है? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, हमारे देश के मानाए और पूरे विश्वभर में माने जाते थे, और उनका जो है परचम जो है आप देख ही रहे हो, आज पूरे दलित समाज में एक उनकी एक पीड़ा है, दर्द है, जो हमारे बीच में ऐसे शक्तिशाली और हमें हर दिशा दिखाने वाले कहते हैं, जो कर गुजर गए वो भीम थे, जो हाथों में किताबें और कलम दे गए वो भीम थे, जो हमें अपने हक की लड़ाई लड़ाना सिखा गए वो भीम थे, तो आज बड़ा दुख का विषय है। और उनका जो है, हम पूरे वाल्मीकि समाज के लोग अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने बगीचियों में जहाँ उनकी प्रतिमा है वहाँ बैठ के माता बहना सभी और इस दुख को अपना मोहल्ले में बैठ कर मनाते हैं सबके लिए। ठीक। और आज तक जो राजनीति लोग अपनी राजनीति सेक रहे हैं, मेरे हिसाब से गलत है, हमें राजनीति बात नहीं करनी चाहिए इनके ऐसी घड़ी पर, जो आज हुए आज ही के दिन हमारे बीच में नहीं, लोगों के बीच में ना रहे थे बाबा साहब, तो मैं तो इतने कहना चाहता हूँ भाई, इसको राजनीति हड़ा ना बना। ठीक। सुभाष पार्क एमजी रोड पर वाल्मीकि वाटिका में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस मौके पर अध्यक्षता प्रेमचंद्र वाल्मीकि ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी रामजीलाल विद्यार्थी, वरिष्ठ समाज सेवी अमरनाथ पवार, विक्रम चौहान, कुलदीप सिंह, अरुण गहलोत, गजेंद्र संजय माइकल, वाल्मीकि जयंती के संयोजक दिनेश डागौर समाज के सभी वरिष्ठ गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।